दोस्तों, ये एक फेमिनिस्ट कविता है, अर्थात मेंटेनेंस के हक के लिए है। भारतीय कानून के हिसाब से एक तलाकशुदा महिला को, अगर वह कामकाजी महिला नहीं है, तो मेंटेनेंस देने का पति का फ़र्ज़ बनता है, उसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन ऐसा बहुत होता है कि बहुत सी महिलाएं मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करवा लेती हैं और उनके पति फरार होते हैं, तो इस तरह के प्रावधानों से बड़ी बाधा होती है। महिला हित जो है, अभी तीन तलाक के पक्ष में के मतलब महिलाओं के पक्ष में और तीन तलाक की खिलाफत में कानून की बहुत बात हुई है, तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो महिलाओं को उनका हक दिलवाने वाली हैं और उनकी ज़रूरत है हमारे समाज को और हमारे संविधान को, हमारे समूचे ढांचे को। और ये कविता बैंक से जुड़ती है, ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट बैंकों की भी थोड़ी सी खबर लेती है कि जहाँ सरकारी बैंकों में मिनिमम अमाउंट जो है किसी भी सेविंग्स अकाउंट में वो बहुत कम हो सकता है, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा उसमें ना जाते हुए कविता के शिल्प में सुनिए एक स्त्री के मन की बात, एक समूची स्त्री कौम के मन की बात कविता का शीर्षक है तलाक के बाद की औरत। मेरे अपने आप में लौटते ही अपना आपा पाते ही, मेरी धमनियों और शिराओं के ज़रा सा तनाव मुक्त होते ही, उनमें दौड़ने वाले रक्त की आवाज़ का सुनाई देना बंद होते ही, मेरे कपाल पर उसकी दस्तक के बंद होते ही, कैसे बजने लगती है मेरे फ़ोन की घंटी, बस ज़रा सा उन बातों का हवाला देकर जिनमें मैं फ़िलहाल उलझी हूँ, बैंक का आए दिन यानी दो एक महीनों में डेड होता और एक्टिव कराए जाने वाला बैंक अकाउंट जो उस बनिए से भी तेज़ गति से मेरे वक्त की ताकीद करता था जो कर्ज़दार का पीछा करता है। कर्ज देना भी उसका पेशा है और पीछा भी, यानी बने रहना साहूकार, जबकि बैंक से मेरा कोई कर्ज नहीं और वो भी तो उसे पीछे का कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं। समूचा पूंजीवादी ढांचा टिका है बैंक से कर्ज पर, और नहीं होती है इस किस्म की दस्तक पूंजीवादी समाज में। ये एक भ्रष्ट देश में निजीकरण का भ्रष्ट हिस्सा है, भ्रामक भी बहुत उत्पीड़क विदेशीपन थोप दिया गया हो, जैसे बिना भाषा या जगह का विस्तार किए कॉल सेंटर खुल गए हो और गुंडों को मिल गई हो छूट फ़ोन करने की, और जबकि पहले ऐसे फ़ोन आकर बताते थे कि फलां स्कीम है, इतना मुनाफा, अब एक टेढ़ी आवाज़ में गुंडे सपुरुष कहता है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप क्या करते हो, आप कहाँ से हो, कि शहर ज़दा दिल्ली ज़दा जो अब सालों से राजधानी भी है और जहाँ से होने का ऐसा रुतबा भी है, जो हिंदी यानी राजभाषा राष्ट्रभाषा के साथ तमाम बदसलूकियाँ करने वालों को बेदाग छोड़ देता है बिना इल्ज़ाम बिना सज़ा, और ये ज़बरदस्ती का फ़ौरन पूछ लेना फ़ोन की लाइन के काटे जाने से पहले आप क्या करते हो, एक ऐसी जातिवादी परंपरा के बीच जहां भले ही रूढ़ हो जाति पहले कर्म से थी और अब भी अक्सर हो जाती है या काम छूट जाने पर बिल्कुल ही बदल जाती है और ब्राह्मणवाद के त्रास के बावजूद पंडित जी का घर तक बिकवाने वाले रंगदार हैं लेकिन औरत की स्थिति तो वर्तमान शास्त्रों में दलितों से बताई जा रही है बिल्कुल उतर जाती है या होती ही नहीं औरत की जाति, और जैसे किसी बीते ज़माने में स्कूल की राह में, स्कूल के मैदान में या बिल्कुल कक्षा में भी पिछड़ी जाति का नाम ही बख दिया जाता था गाली बकने की तरह,
या यो होते थे रक्तकांड, यो होते थे रक्तकांड, बस पास जाकर कहनी होती थी किसी को किसी की जाति, छोटी जाति और फिर महामारी थी, और फिर मारा मारी थी। अब जाति को कहने के अलग तरीके थे और ये जल्दी से पूछ लेना आप क्या करते हो, वैसे ही हो रहा था जैसे जातिवाद का सामंती खेल, बस यह जल्दी से पूछ क्या लेना, कह देना कुछ पता ठिकाना, हाल बताने तरह कुछ आप ही का आपको, कुछ पता ठिकाना हाल बताने तरह आप ही का आपको, इससे पहले कि वह उस संभ्रांत भाषा में जिसका प्रयोग महिलाएं गाली की बजाय करती हैं, जिसका प्रयोग महिलाएं गाली की बजाय करती हैं, उसे डपट कर ख़त्म कर दे बात, एक बहुत ठोस जवाब की तलाश जिसमें कलाकृतियों का स्थान नहीं, अगर वो बिकने वाली मूर्तियां नहीं, एक बहुत सामंती प्रपंच की तरह हो रहा था, एक बहुत सामंती प्रपंच की तरह हो रहा था और पूरी तरह निष्कासित कर रहा था उसे अपने होने के संगीत से। शुक्रिया दोस्तों, ये कविता मेरे दूसरे संग्रह में संग्रहित है।